Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Sushma Kataria and I hope all of you will be doing well. So, आज जो मैं हॉल करने वाली हूँ वो एक मीशो से एक साड़ी है जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी स्टाइलिश साड़ी है. तो एक्चुअली मैंने इसको ना कल अपने पार्टी में वेयर किया था. तो मैंने जैसे फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स पोस्ट की थी तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी उस साड़ी के बारे में. काफ़ी अच्छी, काफ़ी ट्रेंडी सी साड़ी है तो आज मैं उसी का रिव्यू करने वाली हूँ. ओके, तो जो ये साड़ी है दिस इज एन वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन. लाइक जो इसका बेस कलर है दैट इज वाइट. ओके, पहले इसकी साड़ी की जो जान है वो दिखाती हूँ. एक्चुअली इसका जो ब्लाउज है ना वो इसकी इसकी कह सकते हैं इसकी जान है. ये एक रेडीमेड ब्लाउज है और पेपलम कुर्ती स्टाइल जैसे आजकल काफ़ी इन है तो पेपलम स्टाइल में ही ये ब्लाउज है. और तो अगर बात करें इसके, लाइक स्टार्ट करते हैं इसके नेक से. जो इसके ब्लाउज़ का नेक पोर्शन है ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी एलिगेंट लुक देता है. डीप वी कट है फ्रंट और बैक दोनों में. और जो लाइक जितना भी हमारा ऊपर जो नॉर्मली ब्लाउज लेंथ जितनी रहती है उसमें पूरे में ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. इसमें ना गोल्डन और वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और बीच बीच में गोल्डन कलर के छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं. काफ़ी फाइन सी डिटेलिंग है और काफ़ी सुंदर भी लग रही है एक्चुअली दिखने में. और ये जो ब्लाउज़ पीस हमें रिसीव होता है, लाइक ये जो ब्लाउज़ पीस तो नहीं कह सकते, ब्लाउज ही है, रेडीमेड ब्लाउज है जो हमें रिसीव होता है. ये फ्री साइज़ में आता है, आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर करा सकते हैं. और ईजिली आई थिंक ये 36-38 बस साइज तक ये परफेक्ट है. आप इसको इजीली ना ऑल्टर करा सकते हैं. ओके, अगर फ्रंट और बैक की बात करें, लाइक नेक की वी नेक है, इतनी कुछ स्लीव्स दी हुई हैं. अपर जितना भी लेंथ रहती है ब्लाउज की उतने में ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरा. उसके बाद अटैच है जो साड़ी वाला फैब्रिक है, जो साड़ी जिस फैब्रिक की है और लाइक जो स्टाइल है उसी स्टाइल में अटैच करा हुआ है. ये पेपलम कुर्ती स्टाइल इसको बनाया हुआ है. और ये जो है ना ये एक डिफरेंट ही लुक देता है आपको, काफ़ी स्मार्ट लुक देता है ये साड़ी को, क्योंकि डिफरेंट ही लुक आता है इसको. नॉर्मली ब्लाउज लेंथ जो अपनी होती है उसके अकॉर्डिंग तो एक नॉर्मल वाला लुक आता है साड़ी का, लेकिन कह सकते हैं कि ब्लाउज ही इसकी ब्लाउज की वजह से ही काफ़ी ट्रेंडी है साड़ी. और फ्रंट में से ऐसे ओपन कट बनाया हुआ है, फिर से लेस लगाई हुई है फ्रंट में, सेम जो ऊपर वाले पोर्शन में चोली पोर्शन में जो जिस लाइक फैब्रिक की डिटेलिंग है सेम वही वाली लेस है. फिर नीचे फिर से अगेन लेस दी हुई है. बैक में ओपन नहीं है, बैक कंप्लीटली ऐसे राउंड बनी हुई है. और मैं एक बार आपको ना पास से इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ ब्लाउज की. गोल्डन थ्रेड वर्क और वाइट थ्रेड वर्क हो रखा है पूरा, और छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हुए हैं गोल्डन कलर के. अब आते हैं इसकी साड़ी पे. एक्चुअली साड़ी का जो उन्होंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, वो कहते हैं कि ये ना सिल्क फैब्रिक में साड़ी है, बट ये जो रिसीव होती है सिल्क फैब्रिक नहीं है, ये रिसीव हुआ है जॉर्जेट में. यस, ये जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है जॉर्जेट फैब्रिक में, बट काफ़ी सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है और मतलब काफ़ी अच्छा लुक देता है पहनने के बाद. काफ़ी अच्छे से इसकी प्लीटिंग होती है और काफ़ी एकदम आपको स्लिम ट्रिम लुक देता है, लाइक बॉडी को काफ़ी अच्छे से हग करती है साड़ी. ओके, ये इसका पल्लू पोर्शन है. पल्लू पोर्शन इसके ना चारों बॉर्डर्स पे ऐसे लेस लगी हुई है, वही जिसमें लाइक जो ब्लाउज के चोली पोर्शन में जो लगी हुई थी वही वाले सेम फैब्रिक में ऐसे लेस लगी हुई है कंप्लीट साड़ी पे. और यू कैन सी ऐसा कुछ प्रिंट बना हुआ है, स्क्वेयर्स बने हुए हैं ब्लैक कलर से. और जो इसका बेस कलर है वो वाइट है साड़ी का. ये काफ़ी ट्रेंडी साड़ी है एक्चुअली. मैंने ना इसको देखा था, एक यूट्यूबर ने इसको स्टाइल किया था, अभीक्षा करके कोई यूट्यूबर है, एंड इवन कैटलॉग पे भी, साड़ी के कैटलॉग पे भी उस अभीक्षा की ही लाइक जो यूट्यूबर हैं अभीक्षा, उन्हीं की पिक्चर लगी हुई है. तो मैंने उनको एक बार इंस्टा एक रील में देखा था इसको,
स्टाइल करे हुए, तो तभी मैंने सोचा था इस साड़ी को बाय करना चाहिए। तो अभी मैंने, और काफ़ी सुंदर लग रही थी, मैंने भी जब स्टाइल किया, मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी साथ में, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। तो ये कंप्लीट लाइक इतना ही यहाँ से स्टार्ट हो के जो स्टार्टिंग में रैप करने का होता है, और ये पूरा अपर लोअर में भी जितना ये विजिबल होता है, लोअर में भी इसमें लेस लगी हुई है, यू कैन सी। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, लाइक आप ना इसको लाइक ऐसा नहीं है कि को काफ़ी हैवी सा मटेरियल है, इजी लाइक इजी टू कैरी है, काफ़ी इजी टू कैरी है। और समर्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी गर्मी लगेगी, नहीं, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, समर अप्रोप्रिएट साड़ी है, ट्रेंडी है बिल्कुल। ओके, तो यस, ये हो गई साड़ी की बात। और अगर बात करें आज की साड़ी जो मैंने स्टाइल करी हुई है, एक्चुअली ये साड़ी भी मीशो से ही है, और इस साड़ी का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने मीशो साड़ी हॉल में, यस, मीशो साड़ी हॉल में इसका रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये साड़ी आई थिंक मेरे को कॉस्ट किया था 484 इसने कॉस्ट किया था, एंड रेडी टू, मतलब इसको जब पहनते हैं तो ऐसा लुक आता है कि रेडी टू वियर साड़ी है, बट रेडी टू वियर नहीं है, बस इसका जो पल्लू पोर्शन है लाइक कि आँचल वाला पोर्शन है, यू कैन सी, ये रेडी टू वियर है, लाइक यहाँ से ना ये ब्रोच लगी हुई है, ये वाला पोर्शन यहाँ से और यहाँ तक, ये आपको पल ये प्लीटिंग वगैरह पीछे ये नहीं करनी होती, ये पूरा रेडी टू वियर है। और जो फ्रंट की प्लीट्स होती हैं ये आपको बनानी होती हैं। और रफल पैटर्न में काफ़ी सुंदर सी साड़ी है, जिस टाइम मैंने इसको बाय किया था, लाइक मेरे को आई थिंक इसको बाय करे हुए ना वन ईयर के अप्रॉक्स हो गया है, यस, वन ईयर पहले मैंने बाय किया था, तो काफ़ी ट्रेंडिंग थी उस टाइम ये साड़ी, और 484 के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी डील है। और अगर आप लोगों को बाय करनी है या कुछ लाइक आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं, तो मैं इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी उसके अकॉर्डिंग, यस। हाँ, मैं इस वाली साड़ी का ना आपको एक्चुअली प्राइस बताना भूल गई, एक्चुअली इस साड़ी ने कॉस्ट किया है 1244, यस, 1244 इसका प्राइस है। ओके, और इसका मैंने बता ही दिया है 484 आई थिंक इसने मेरे को कॉस्ट किया था, अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है इसका, इसके साथ जो ब्लाउज पीस लाइक ब्लाउज इसका रेडीमेड नहीं आया था, मैंने स्टिच कराया है, ये ऐसे सीक्वेंस वाला लाइक जो इसकी लेस लगी हुई है बॉर्डर्स पे, सेम इसी फैब्रिक में ये ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था, तो ये मैंने स्टिच कराया है इसका। तो ये सी हो गई आज के होल की लाइक होल वीडियो तो क्या था, सिंगल साड़ी थी, तो साड़ी का रिव्यू हो गया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड यस, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब उनके लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कॉमेंट इन माई वीडियोज़। एंड यस, थैंक यू, बाय बाय।